दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ऑथर गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ एक प्ले हयावदाना। हयावदाना दोस्तों बहुत ही फेमस प्ले है। इसको गिरीश कर्नाड ने लिखा था 1971 चेन्नई में और 1972 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसकी सेटिंग धर्मपुरा सिटी नाम की एक जगह पर रखी गई है और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है दोस्तों, बहुत ही फेमस प्ले है। इसको लिखने के लिए गिरीश कर्नाड ने इंस्पिरेशन ली थी थॉमस मैन की एक शॉर्ट नोवेला, इसका नाम है द ट्रांसपोस्ट हेड्स। दोस्तों थॉमस मैन ने अपनी नोवेला लिखने के लिए एक संस्कृत के टेक्स्ट कथा सरित सागर से इंस्पिरेशन ली थी। यानी कि थॉमस मैन ने कथा सरित सागर से इंस्पिरेशन ली और गिरीश कर्नाड ने उनकी नोवेला से इंस्पिरेशन ली। दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस इंटरेस्टिंग प्ले पर नज़र डालते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है एक गणेश पूजा के साथ में। भगवत बोलता है कि भगवान गणेश इस प्ले की परफॉर्मेंस को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। भगवत इस प्ले को हमसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। वो अपनी ऑडियंस को इस प्ले की सेटिंग बताता है कि धर्मपुरा में इस प्ले की सेटिंग रखी गई है और फिर बाद में वो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। पहला कैरेक्टर है देवदत्त, जो कि एक ब्राह्मण का बेटा है और दूसरे पंडितों में सबसे बड़ा है, एक पॉइट भी है। दूसरा कैरेक्टर है कपिला, ये एक लोहार का बेटा है और इसके पैर बड़े स्ट्रांग है, इसकी बॉडी भी बड़ी मस्क्यूलर है, इसमें बहुत जान है। ये दोनों इस प्ले में क्लोज फ्रेंड्स हैं। इस प्ले की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, ये भगवत इस प्ले को इंट्रोड्यूस करवा रहा है ऑडियंस से, तीन ही कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। तभी एक एक्टर चिल्लाता हुआ भागता हुआ इसके पास स्टेज पे आता है, किसके पास, भगवत के पास में, कि उसने एक अजीब से आदमी को अभी देखा है जिसका घोड़े का तो सिर है और इंसान का शरीर, और आदमी की आवाज़ में वो बात कर रहा था। तो भगवत उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि जैसे क्रिएचर की तुम बात कर रहे हो वैसा कुछ हो ही नहीं सकता। तभी ये जिसकी बात कर रहा था घोड़े का सिर इंसान का शरीर, वैसा एक आदमी स्टेज पे आता है। इस आदमी का नाम है हयावदाना। मतलब प्ले शुरू होने से पहले ही यहाँ पे स्टेज पर दिक्कत आ गई। ये आदमी स्टेज पर आता है, भगवत सोचता है कि इसने कोई मास्क पहन रखा है और सबको बेवकूफ़ बना रहा है, हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसने हयावदाना का सिर खींचने की कोशिश की मास्क निकालने के लिए, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो इस बंदे का असली सिर है, ये कैसे हो सकता है। फिर ये हयावदाना अपने बारे में भगवत को बताता है कि ये एक प्रिंसेस और एक घोड़े का बेटा है, जब प्रिंसेस और घोड़ा आपस में मिले तो ये पैदा हुआ। इस हयावदाना को दुख है कि ये पूरा आदमी बनकर के पैदा नहीं हो सका। तो भगवत इसको बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जानता हूँ, तुम माँ काली के मंदिर में जाओ और वहाँ जा कर के कोई भी माँ काली से कुछ भी मांगता है तो वो उसको दे देती हैं, तुम प्रार्थना करना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो अब ये हयावदाना मंदिर की तरफ चल देता है इस उम्मीद में कि माँ काली इसको पूरा, इसका जो घोड़े का सिर है वो इंसान के सिर में बदल देगी, पूरा इंसान बना देगी। तो भगवत इस बीच में आई प्रॉब्लम के लिए ऑडियंस से माफ़ी मांगता है और प्ले को शुरू करता है। तो इस प्ले के जो दोनों हीरो हैं देवदत्त और कपिला, ये एक लड़की के प्यार में पड़कर खुद को ही भूल जाते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है देवदत्त और कपिला से। देवदत्त अपना प्रेम पद्मिनी के लिए जताता है कि अगर पद्मिनी नाम की एक लड़की है उससे अगर इसकी शादी हो गई तो ये अपने सर और हाथों किसी का भी बलिदान दे सकता है, अपने सिर का, अपने हाथों का। तो ये कपिला देवदत्त का मजाक बनाता है और इसको बोलता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन ये देखता है कि इसका दोस्त देवदत्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस है पद्मिनी के पीछे। तो कपिला इससे बोलता है कि मैं पद्मिनी का पता ढूंढूंगा कि वो कहाँ रहती है और उसको तुम्हारे लिए पटा करके दूंगा। तो अब ये कपिला पद्मिनी की गली में गया और इसने पद्मिनी का दरवाज़ा खटखटाया। पद्मिनी ने जब दरवाज़ा खोला तो कपिला भी पद्मिनी को देख करके उसके साथ प्रेम में पड़ गया, पागल हो गया उसके पीछे। तो वो बोली क्या चाहिए, तो कपिला बोलता है कि मैं तो भूल गया मैं यहाँ किस काम के लिए आया था। फिर वो बोलता है कि मैं, हाँ मुझे याद आया, मैं तुमको अपने दोस्त देवदत्त के लिए पटाने आया हूँ। लेकिन यहाँ पे कपिला को लगता है कि पद्मिनी जैसी लड़की को एक स्ट्रांग आदमी की ज़रूरत है, जबकि उसका दोस्त देवदत्त जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव आदमी है। लेकिन दोस्तों ये भगवत ऑडियंस से बोलता है कि शादी तो देवदत्त और पद्मिनी की ही हुई, कपिला और पद्मिनी की नहीं हुई, देवदत्त और पद्मिनी की आपस में शादी हुई। तो अब ये तीनों जने दोस्त बनकर के एक साथ रहने लगे। अब ये कहानी दोस्तों 6 महीने आगे चली जाती है जंप करके, और अब ये पद्मिनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इन तीनों ने तय किया, कपिला, पद्मिनी और इस देवदत्त ने तय किया कि ये लोग साथ में उज्जैन घूमने जाएंगे। उज्जैन
इस देवदत्त को इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि इसकी पत्नी पद्मिनी कपिला की तरफ अपना कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन दिखा रही थी। मतलब पद्मिनी तो मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ट्रिप कैंसिल कर देती हूँ। लेकिन तभी कपिला यहाँ पर आता है, पद्मिनी वापस चलने को तैयार हो जाती है। पता नहीं इसको क्या होता है, ये वापस चलने को तैयार हो जाती है उज्जैन। अब ये तीनों उज्जैन की तरफ ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो पद्मिनी इस कपिला की तारीफ़ करती है कि कितनी अच्छी गाड़ी चलाता है ये। रास्ते में पद्मिनी को कुछ फूल दिखते हैं, तो कपिला भाग करके उसके लिए फूल तोड़ करके लाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना मस्कुलर है, कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ताकतवर है वो। यहाँ देवदत्त को बड़ा बुरा लग रहा था कि देखो देखो कैसे देख रही है। तो अब ये तीनों रुद्रा और काली के मंदिर के पास से निकलते हैं, एक मंदिर होता है रुद्रा और काली का, वहाँ से निकलते हैं। तो देवदत्त को याद आता है कि इसने पद्मिनी को पाने के लिए एक वादा किया था कि ये अपने सर और हाथों का बलिदान देगा, मतलब ये अपने सर का बलिदान देगा, ऐसा कुछ वादा किया था ना इसने कहानी की शुरुआत में। तो अब ये जाता है काली माँ के मंदिर में, तो काफ़ी देर तक लौटता नहीं है। कपिला इसको ढूंढता हुआ वहाँ आता है, तो क्या देखता है कि देवदत्त ने अपना सर धड़ से अलग कर लिया था काली माँ के सामने। इसको बड़ा दुख होता है अपने दोस्त के लिए, और ये फैसला करता है कि ये भी अपना सर काट लेगा, कपिला भी अपना सर काट लेगा। तो अब ये दोनों मर्द वापस नहीं आए, पद्मिनी को चिंता हो रही थी कि ये दोनों मर्द वापस क्यों नहीं आए। तो ये ढूंढती हुई वहाँ पे गई काली माँ के मंदिर में, उन दोनों का धड़ सर से अलग पाया कि दोनों ने अपना सर काट लिया है, तो ये अब खुद भी मरना चाहती थी। लेकिन तभी काली माँ ने इसको रोक लिया। ये काली माँ बोलती है पद्मिनी को कि ये दोनों बंदे फिर से ज़िंदा हो जाएंगे अगर तुम इनका सर वापस लगा देती हो तो। तो पद्मिनी इन दोनों का सर वापस लगाती है, लेकिन पद्मिनी से इस टाइम पे एक गलती हो जाती है, ये एक का सर दूसरे की बॉडी में लगा देती है और दूसरे का सर एक की बॉडी में, मतलब सर की अदला बदली हो जाती है। कपिला का सर देवदत्त की बॉडी में लग जाता है और देवदत्त का सर कपिला की बॉडी में। तो पहले तो ये तीनों इस मिक्सअप से हैरान हो गए, लेकिन जब ये तीनों घर लौट रहे थे तो इन दोनों आदमी में लड़ाई हो गई, देवदत्त और कपिला में लड़ाई हो गई। देवदत्त का सर बोलता है कि बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ही पूरी बॉडी को चलाता है, तो पद्मिनी मेरी है। लेकिन कपिला का सर बोलता है कि इन हाथों ने जन्म जन्म तक ना छूटने की कसम खाई है, ये शरीर पद्मिनी का है, मतलब ये शरीर जो देवदत्त का है ये पद्मिनी के साथ बंधा हुआ है, तो ये पद्मिनी मेरी है। तो अब इन दोनों की लड़ाई होते देख पद्मिनी ने ये तय किया कि वो देवदत्त के सिर और कपिला की बॉडी वाले के साथ में रहेगी। पद्मिनी और देवदत्त पहले से बड़े खुश थे कि अब देवदत्त को नई मस्कुलर बॉडी मिल गई है और अब तो इनके एक बेटा भी होने वाला है। अब इस देवदत्त को कपिला की बॉडी जरूर मिल गई, लेकिन ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा है। ऐसे में ये अपने हस्बैंड को देख करके बहुत परेशान हो रही थी पद्मिनी, और ऊपर से इसको कपिला की और याद आ रही थी। तो ये कपिला को ढूंढती हुई जंगलों में गई, जंगलों में कपिला रह रहा था। कपिला ने वापस मेहनत करके अपना वापस वैसा ही मुस्टंड शरीर बना लिया था, जबकि इसके पति देवदत्त को तो बनी बनाई रेडीमेड बॉडी मिली थी, तो वो उसे मेंटेन नहीं कर सका। तो कपिला ने पद्मिनी को बताया कि कैसे उसने अपनी बॉडी को वापस बड़ी मेहनत करके शेप दी और पुरानी वाली शेप में जैसी उसकी पहले बॉडी थी वैसी बनाई। इससे ये पद्मिनी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और कुछ रातें इसने कपिला के साथ गुजारी। तो देवदत्त अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ यहीं जंगलों में आया, तो इसने क्या देखा कि कपिला और पद्मिनी एक साथ थे, तो इन दोनों की वापस लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में इसी झड़प में इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब इन दोनों आदमियों की मौत के बाद में पद्मिनी ने तय किया कि वो सती बनेगी और ये की चिता पर बैठ गई, खुद भी मर गई। अब ये भगवत बोलता है कि पद्मिनी अपने हिसाब से एक निष्ठावान पत्नी थी, एक लॉयल पत्नी थी। तभी ये प्ले ख़त्म होता है। प्ले ख़त्म होने के बाद इस भगवत के पास भागता हुआ एक बंदा आता है और इसको बोलता है कि गली में एक घोड़ा नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाता हुआ आ रहा है। ये घोड़ा दोस्तों कोई और नहीं हयावदाना ही था जो इस कहानी की शुरुआत में आया था। तो ये भगवत के पास आकर के इसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे माँ काली के पास भेजा, मैंने माँ काली से प्रार्थना की कि मुझे कंप्लीट कर दो, तो उन्होंने मुझे भले ही पूरा इंसान बनाया नहीं बनाया लेकिन एक पूरा घोड़ा बना दिया। तो ये जो पद्मिनी का बच्चा था, पद्मिनी का बेटा था, ये इस पर हंसने लगा और ये सब लोग गाना गाने लगे।
हयावदाना चाहता था कि ये बस जो इसकी इंसान की आवाज़ जो रह गई है ये और चली जाए। तो ये पद्मिनी का बच्चा उस पर जोर जोर से हंस रहा था, हयावदाना भी हंसने लगा, घोड़े की तरह उसके साथ में हंसने लगा। तब इसकी आवाज़ भी अब घोड़े वाली हो गई, मतलब अब इसकी इंसान की आवाज़ भी चली गई थी और ये कंप्लीट घोड़ा बन गया था। भगवत ये बोल करके इस प्ले को ख़त्म करता है कि हयावदाना की ख्वाहिश पूरी हो गई। तो एक बार फिर से करके गणेश जी को धन्यवाद देते हैं, गणेश भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा बनाए रखी और सक्सेसफुली ये प्ले ख़त्म हो गया। अब दोस्तों इस प्ले की मेन थीम ये है कि बॉडी और दिमाग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता है उसको दिखाया इस प्ले में, और इस प्ले में कर्नाड ने एक तरह की इनकम्प्लीटनेस को भी दिखाया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।